हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के दलिए की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक खीर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए रख दी है। हम पहले कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 चम्मच देसी घी। ये थोड़ी छोटी चम्मच से बड़ी साइज़ की चम्मच है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ की चम्मच है तो आप 4 चम्मच देसी घी ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधी कटोरी गेहूँ का बिल्कुल बारीक दलिया। आप घी को पहले बहुत अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद ये आधी कटोरी गेहूं का दलिया मैंने लिया है यहाँ पर। आप आधी कटोरी के हिसाब से 4 चम्मच देसी घी ऐड करें, और अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं दलिया की तो आप घी की क्वांटिटी भी बढ़ाएं। आपको दलिया को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है सुनहरा नहीं हो जाता, या फिर इसके अंदर से बहुत अच्छी सी सौंधी खुशबू ना आने लगे तब तक। जैसे जैसे आप इसे सेकते जाएंगे इसका कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा, और ये काम आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और इसी टाइम पर आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि इसे आप जहाँ तक हो सके लो फ्लेम पर भूनें ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आए। देखिए हमारे दलिए का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और इसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लगभग 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी इसमें आराम से जाएगा क्योंकि हमें दलिए को बहुत अच्छे से पहले पकाना है। कम से कम 50% आपको दलियों को कुक करना है पानी डालकर। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। लगभग 50-60% आपका दलिया जो है वो कुक हो जाना चाहिए। ये देखिए अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, काफ़ी देर हो गई इसको पकते हुए। ये देखिए पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम हाथ से इस तरह से प्रेस करके देखेंगे, ये 50% तक कुक हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका पानी भी जो है सारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। ये दूध मैंने बहुत अच्छे से अभी गर्म कर लिया था, काफ़ी अच्छे से इसे उबाल लिया है। ये 1 लीटर दूध है। पहले हम इसके अंदर 0.5 लीटर दूध डालकर चेक करेंगे, अगर हमें और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। एक बार पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसके अंदर गाढ़ा दूध ही लें। अब मुझे इसमें और दूध की ज़रूरत लग रही है, मैं इसके अंदर सारा दूध ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने 1 लीटर दूध इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी 50% कसर रह गई है दलिया को पकने में वो हम दूध के साथ पूरी करेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि अब हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद अगर आप इसका ढक्कन लगाकर इसे पकाते हैं तो दूध सारा उबल कर बाहर आ जाएगा, सारा दूध उफन जाएगा बार बार, इसलिए हम इसे खुला ही पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इसमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमारा दलिया जो है कितने अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है ये बहुत ही इजीली। लगभग 40-45 मिनट या फिर उससे भी और ज़्यादा, 45 मिनट कम से कम आप इसको लग जाएंगे इस रेसिपी को बनाने में। अब हमने जितना दलिया लिया है लगभग उसकी डबल आपको यहाँ पर चीनी लेनी है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दलिया लिया था, उसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से 1 चम्मच कम चीनी ली है। आप चाहें तो बराबर उसके डबल चीनी डाल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर दलिया की खीर बना रहे हैं जो कि मीठी ही अच्छी लगती है। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। अब ये दलिया लगभग बन चुका है, पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पर 2 से 3 इलायची को बारीक कूट लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने खोपरे को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ही डालें ड्राई फ्रूट्स को, और ख़ास तौर पर इस खोपरे को भी बिल्कुल बारीक कट करके डालें, इससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये मुँह में आएगा खीर खाते हुए। सेम आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अपनी खीर बनाएं, आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। हमारी खीर बन चुकी है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे गैस बंद करके, ताकि इसके अंदर इलायची और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से इसके अंदर आ सके।
ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमारी खीर जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा इलायची का फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा खीर को 15 से 20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद खाना पसंद करती हूँ। इससे सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाता है, उससे खीर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसलिए आप भी इस मेथड को फॉलो करें। अब आपकी गर्मा गर्म खीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप ये मत सोचिएगा कि आधा घंटा हो गया है तो हमारी खीर ठंडी हो गई है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आधे घंटे से उसी बर्तन के अंदर इसे कवर करके रखा हुआ था। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।